जिला सोलन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि जिला सोलन के नालागढ़ में ना केवल कोरोना पॉजिटिव केस आया था बल्कि उस महिला की मौत भी हो चुकी है। इसकी पुष्टि उपायुक्त सोलन केसी चमन ने की। ये महिला 14 मार्च से नालागढ़ में रह रही थी और इस महिला के साथ 7 लोग और थे जो महिला के सीधे संपर्क में थे। फिलहाल जिला प्रशासन ने उन सभी लोगों को ट्रेस कर दिया है और जो इस महिला के संपर्क में आए थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। जब ये खबर लोगों के बीच फैली तब से लोग दहशत में दिख रहे हैं। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि महिला यहाँ निजी उद्योग के गेस्ट हाउस में रह रही थी। उन्होंने बताया कि यहाँ 7 लोग 14 तारीख को नालागढ़ आए थे, जिनके साथ चालक और नौकर भी था। महिला जब बीमार हुई तो वे नालागढ़ के निजी अस्पताल में गए, जहां बाद में महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां महिला की मौत हो गई। जब महिला का टेस्ट करवाया गया तो वे कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है और डॉक्टर और नर्स तथा अन्य स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। उन लोगों की भी तलाश की जा रही है जिनके संपर्क में वे लोग आए थे। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे अपने घरों में रहें और ज़्यादा जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने। अभी इसकी डेथ कल शाम को पीजीआई में हुई है। ये 68 साल की लेडी स्नेहलता, ये दिल्ली बेस्ड है। ये इसकी डेथ हुई है, जो वहाँ से रिपोर्ट आई है डॉक्टर की, कोरोना पॉजिटिव पाएगी। ये लोग जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की गई है, ये लोग 7 आदमी थे, 7 एक दिल्ली से आए 14 तारीख को, और इनका स्टील बर्ड की हेलमेट बनाने वाली इनकी कंपनी है, इनका अपना वहाँ पे गेस्ट हाउस है। ये सभी लोग अपने गेस्ट हाउस के कमरों में ही रहे। इनके साथ जो दो एक एक ड्राइवर एक सर्वेंट है, वो भी गेस्ट हाउस में ही ठहरे रहे। इनके अनुसार जो अभी जो वहाँ पे हैं ऑक्यूपेंट, ये सारे एज्ड हैं, 65 साल से उम्र की ऊपर इनकी उम्र है लगभग, जो ये फैमिली है, और ड्राइवर इसका अभी एज का आता है। ये लगभग 7 आदमी प्लस 2 ये हो गए, इनके ड्राइवर एंड एक सर्वेंट है, ये रहे वहीं रहे। परसों ये अपने ट्रीटमेंट वहाँ पे कराते रहे, वहाँ पे एक ब्रुकलिन नर्सिंग होम है, उसे ट्रीटमेंट करवाते रहे। उसके बाद ये परसों की हालत कुछ ख़राब है तो उन्होंने मेडिकल टाइफॉइड स्ट्राइक करके अपना केस रेफर पीजीआई करवाया। ये प्रोबेबली वहीं ब्रुकलिन उन्हीं की एम्बुलेंस से पीजीआई चले गए, जहाँ इसकी कल डेथ हो गई। तो ये अभी तक हमारी सारी मेडिकल टीम लगी हुई है, सारी इसको वहाँ पर इनको क्वारंटाइन कर लिया गया है। इनके जो उनके कंटेक्ट्स में रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और सारी क्वारंटाइन फैसिलिटी की हमारी पूरी तैयारी है। और बाकी सारी जो कार्रवाई जो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल के तहत है वो की जा रही है। लगभग कितने लोग इनके संपर्क में आए थे और कोई लेडी है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? इसकी कोई फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है इनके अनुसार, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये वहीं पे रहे। अब जो कहाँ कॉन्टैक्ट ट्रेल में आए हैं अभी इसका इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमने हॉस्पिटल को भी कर दिया है, पूरा लॉकअप कर दिया है। वहाँ के जो डॉक्टर्स थे जो नर्सिंग जो करे थे वो क्वारंटाइन में कर लिए गए हैं। और अब बाकी ये है कि सारी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं। हम पहले इस तैयारी के लिए मुस्तैद थे और इसमें जो है कोरोना कोई ऐसा नहीं है कि जिसका कि जरूर जिसको इन्फेक्शन हो उसका इलाज भी है, 98% इसका इलाज भी है। लोगों से यही आग्रह जो बार बार किया जा रहा है, संक्रमण से बचने के लिए घर से बाहर मत निकलो, इससे बड़ा इसका बेहतरीन उपाय कोई नहीं है। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सारा हम मुस्तैद है और सारी इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। संक्रमण से बचे कुछ नहीं हो सकता और ट्रीटमेंट में सारे केसेस काफ़ी अच्छे ठीक भी हो रहे हैं। और बाकी ये है कि हमारी टीमें सारी मुस्तैद है, हमारी जो क्वारंटाइन फैसिलिटी हमने और बढ़ा दी है। और अभी हमने इंडोर जो स्टेडियम था बीबीएनडीए का उसको भी तैयार कर लिया गया है। बद्दी ट्रेड सेंटर है, उसमें काफ़ी फैसिलिटी थी, उसको भी हमने क्वारंटाइन के लिए तैयार कर दिया गया है। तो हमारी टीमें लगी हुई है मुस्तैद से, एनजीओज लगे हुए हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन कार्य कर रही है और हम इसको कंटेन करने में सफल होंगे। और लोगों से ये आग्रह रहेगा बाहर अब कम से कम आए। तो ये लेडी कितने लोगों के संपर्क में आए? अभी कुछ नहीं, संपर्क नहीं, अंदर ही रहे, ये इनका अनुसार ही बाहर निकले नहीं। 14 तारीख को आए, इनके शायद ये है कि जो सब्जियाँ उनके ड्राइवर डूब रहे वो देखना पड़ेगा।
अब हम सारे इनकी स्क्रीनिंग जो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल है, जो इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल है, उसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो सारी टीमें गठित है और सारी स्थिति को हम दोपहर बाद तक हर एक चीज़ एवरीथिंग विल बी इन पोजीशन। ये दिल्ली से ये दिल्ली से है, ये दिल्ली बेस्ड है सारे।